दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएसए आईडी क्या होता है, पीएसए आईडी से किस तरह पैन कार्ड बना सकते हैं, और क्या पीएसए आईडी में डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है या बिना भेजे डॉक्यूमेंट पैन कार्ड बन के आपके एड्रेस पर चले आता है, पूरी चीज़ को क्लियर करेंगे, और किस तरह पीएसए आईडी लेते हैं, किस तरह उसमें काम करते हैं, पूरी चीज़ हमको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं पीएसए आईडी एक ऐसी आईडी है जिसके द्वारा आप किसी का भी पैन कार्ड बना सकते हैं। उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगर नहीं भी है तो फिर भी बना सकते हैं। अगर अंगूठा वाला आदमी है तो फिर भी बना सकते हैं, और डॉक्यूमेंट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना डॉक्यूमेंट भेजिए आपका पैन कार्ड बन जाएगा, 3 दिन में बन के आपके मेल पे आ जाएगा और 15 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा पैन कार्ड। ये पूरी कंफर्म है, 15 दिन के अंदर आपका घर पे आ जाएगा पैन कार्ड। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, डॉक्यूमेंट आपको भेजना है क्योंकि एक साथ नहीं भेजना है आपको, 2 महीने 3 महीने में एक साथ आपको पैन कार्ड बनना, मतलब एक एक करके आपको पैन कार्ड नहीं बनता है, सॉरी एक एक करके आपको पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट नहीं भेजना होता है। ऐसा नहीं जब तक आप उसका डॉक्यूमेंट भेजेंगे तब तक आपका पैन कार्ड बनेगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अप्लाई कर दीजिए, आपका पैन कार्ड बन के आपके घर पे चले आएगा। उसके बाद 2-3 महीने में जितना भी आपका कस्टमर का डॉक्यूमेंट होगा, सारा कस्टमर का डॉक्यूमेंट को आप एक साथ एक ही लिफाफ में दे के आपको सेंड कर देना है पोस्ट के माध्यम से। कहाँ सेंड करना है, यूटीआई के ऑफिस में आपको सेंड करना है। ठीक है, और तो चलिए सबसे पहले आपको यूटीआई की वेबसाइट पे लेके चलते हैं जहाँ पे आपको पीएसए लॉगिन करके पैन कार्ड बनाना किस तरह बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या है, पूरी चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे मैंने यूटीआई की वेबसाइट पे चले आया है PSAOnline.utiitsl.com /PSAOnline। ठीक है, इस वेबसाइट पे मैं चला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देना है, उसके बाद कैप्चा इंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद आपको यहाँ से पीएसए आईडी ओनली 100 में सिर्फ 100 रुपये में आपको यहां से पीएसए आईडी मिल जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, मात्र 100 में आपको पैन कार्ड का आईडी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा इंटर करने के बाद लॉगिन हो जाता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लॉगिन हो चुका है हमारा, लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे नाम होगा आपका, अगर आपका आईडी है तो आपका नाम होगा, जिसके नाम से आईडी देगा उसका नाम यहाँ पे शो करेगा, और उसका आईडी यहाँ पे आपको शो करेगा एक आईडी। ठीक है, उसके बाद लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिला। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, मतलब किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ये पूरी गाइडलाइन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसके माध्यम से भी आपको सुविधा होगी, बनाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फॉर्म 49A सर्विस, इसके माध्यम से आप नया पैन कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद सी एस एफ सर्विस के माध्यम से आप पैन कार्ड को सुधार कर सकते हैं। और माय अकाउंट है, यहाँ से अपने अकाउंट का डिटेल चेंज वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए, पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक कूपन लेना होता है। ठीक है, पैन कार्ड जो बनाते हैं उसके बदले में आपको कूपन देना, मान लीजिए किसी का जो पैन कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, तो इसमें पेमेंट करके आपको कूपन खरीदना होता है, पेमेंट करके कूपन खरीदना होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया, उस नंबर पर संपर्क कर लेना है। तो चलिए, अगर आप आईडी ले लेते हैं और आप कूपन भी खरीद लेते हैं तो यहाँ पर आएंगे फॉर्म 40A सर्विस पे क्लिक, 49A पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। सबसे ऊपर मिलेगा अवेलेबल ई कूपन, अवेलेबल ई कूपन पे आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरह आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिटी में जो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, हमारे पास अभी 2 कूपन बचा हुआ, हम 2 आदमी का अभी पैन कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, आप जितना कूपन खरीदिएगा उतना कूपन आपको आ जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कितना कूपन आपको बचा हुआ है। ठीक है, अगर 5 कूपन खरीदते हैं तो आपको यहाँ पे 5 क्वालिटी में 5 रहेगा, इसका मतलब आपके पास 5 कूपन है, तो आप 5 पैन कार्ड बना सकते हैं, कूपन खरीद सकते हैं, कूपन
खरीदने के लिए आपको नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पर आपको संपर्क कर लेना है। ठीक है, तो चलिए न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 49A सर्विस पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, प्री फॉर्म एंट्री, यहाँ पे देखिए प्री फॉर्म एंट्री पे क्लिक करेंगे। न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए मैं PSA से बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको आ जाएगा फॉर्म, छोटा सा फॉर्म है, यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपको पैन कार्ड ईमेल पे और घर पे फिजिकल दोनों चाहिए, तो आपको फर्स्ट वाले में टिक लगा देना है। ठीक है, यहाँ आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको टाइटल सेलेक्ट करना होगा, यहाँ फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, लास्ट नेम आपको पूरी दे देना है। और छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पर मेल, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर फादर्स नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस अपना, स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार नंबर देंगे, ये किस तरह बनाते हैं आपको पूरी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इतना छोटा सा फॉर्म आपको फिलअप करने के बाद सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपको रसीद मिल जाएगा, आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, वह रिसिप्ट आप निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। तो रिसिप्ट आपको तुरंत निकल जाएगा, आप डॉक्यूमेंट बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से इसी पर आएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक मैन फॉर्म एंट्री, मैन फॉर्म एंट्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिसका आप वो प्री फॉर्म एंट्री कर चुके उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कूपन नंबर भी क्लिक करेंगे। ठीक है, कूपन नंबर भी क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा पैन कार्ड आपको डिटेल जो आपका रहेगा वो सारा चीज़ आपको ये फिलअप कर देना होगा। तो इसके बाद आप को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, और यही छोटा सा प्रोसेस भी आपका पैन कार्ड बन जाएगा, सिर्फ डिटेल आपको देना होगा, उसके बाद आपका पैन कार्ड बन जाएगा और बाद में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ऐसा होता है बहुत सारा पोर्टल में, जैसे CSC के पोर्टल में, जब तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका रिसिप्ट नहीं निकलेगा और कस्टमर को आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको रिसिप्ट दे दिया जाता है, आप बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, ये सुविधा इसमें आपको मिल जाएगा और कम दाम में आपको ये PSA का ID मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पैन कार्ड ID लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हूँ, उस डिटेल पर आपको संपर्क कर लेना है, वहाँ से आपको 100 रुपये में आपको पैन कार्ड का ID मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ मैंने आपकी काम की बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बना दिया हूँ।